नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंग खान के नाम से जाने जाने वाले एक्टर सलमान खान की। सलमान खान को लेकर इस वक्त उनका परिवार और उनके फैंस काफी ज्यादा डरे हुए हैं। दरअसल सलमान को हाल ही में ईमेल के जरिए एक जानलेवा धमकी मिली। इसके बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन करीबियों की माने तो सलमान को किसी भी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जिंदगी खुलकर जीना पसंद है। आपको बता दें कि सलमान पर लंबे समय से खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। साल 2019 में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को ऐसी ही धमकी दी थी। वहीं हाल ही में उनके मैनेजर को जो ईमेल आया है जिसमें गोल्डी बराड से बात करने को कहा गया। धमकी दी गई कि एक्टर ने बात नहीं मानी तो बड़ा झटका दिया जाएगा। मैनेजर ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में करा दी, जिसके बाद सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अब सोर्सेस की माने तो सलमान के करीबी ने बताया कि एक्टर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। करीबी ने कहा, सलमान इस धमकी को बेहद ही नॉर्मल तरीके से ले रही है, शायद एक्टिंग कर रही है ताकि उनके पेरेंट्स को परेशानी ना हो। अब हम साथ साथ इस तरीके से फैमिली की बात हो रही है। सलमान ये साफ कर चुके हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई की इन धमकियों से नहीं डरती। जब वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तो वो माफी नहीं मांगने गए। हालांकि सलमान खान ने खुद सामने आकर अभी तक इस जानलेवा धमकी भरे ईमेल को लेकर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन सीधे सीधे उनके परिवार के बीच काफी ज्यादा डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर लगातार फैंस अपने फेवरेट एक्टर की जिंदगी को लेकर हर अपडेट जानना चाहते हैं। पुलिस की अगर बात करें तो लगातार पुलिस भी सलमान खान के घर के बाहर पहरा दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो जानलेवा धमकी भरा ईमेल आया है सलमान खान को, आखिरकार इसके लिए पुलिस क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।